मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही असरदार रेमेडी होम्योपैथी की ल्यूकोरिया के सिम्टम्स के लिए। ये वीडियो फीमेल पेशेंट्स जिनको सफ़ेद पानी की दिक्कत है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली ल्यूकोरिया सीरीज मिस की है जिसके अंदर मैंने काफ़ी वीडियोज डाली हैं और होम्योपैथिक रेमेडीज बताई हैं कि कैसी सिम्टम्स किस रेमेडी के ल्यूकोरिया के केस में दिखते हैं, तो चैनल के फीमेल वीडियोस वाले सेक्शन में जाएं और सारे ल्यूकोरिया से रिलेटेड वीडियोस देख डालें और अपने डाउट्स दूर करें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलुमिना होम्योपैथिक रेमेडी। एलुमिना का जो मेजर सिम्टम जो हम देखते हैं वो है सबसे पहला कि पेशेंट को जो ल्यूकोरियल डिस्चार्ज होता है वो रोपी होता है, ठीक है, कुछ वाटरी डिस्चार्ज नहीं है, ठीक है, कुछ थिक लम्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन पेशेंट को धागे जैसा ल्यूकोरिया डिस्चार्ज दिखता है जब भी वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करने जाती हैं तो। और साथ ही साथ ये पेशेंट्स अनिमिक भी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर ये नहीं करती, इनकी लाइफ में एक्सरसाइज बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती है, वॉलंटरी तरीके से भी और लाइफ स्टाइल के तरीके से भी अनिमिक पेशेंट रहती हैं, अंडर नरिश्ड पेशेंट होती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती हैं। मोस्टली मेरे कहने का मतलब है कि जो फीमेल ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं, और पतले दुबले से मेरा ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल पतले दुबले लोग भी हेल्दी होते हैं जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ठीक हो, पतले दुबले से मेरा यहाँ मतलब है कि जिनका न्यूट्रिशन कंपोनेंट कम है वो अनियमित हैं और उसके साथ साथ बहुत जल्दी थक जाती हैं, वीकनेस उनको उनकी बॉडी में फील होती है और रोपी ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज होता है। ऐसे पेशेंट को एलुमिना बहुत अच्छे रिमार्केबल रिजल्ट्स ल्यूकोरिया के केस में देती है। आई होप आपको ल्यूकोरिया से रिलेटेड काफ़ी रेमेडीज अब तक इस वीडियो तक जानने को मिल गई होंगी मेरे चैनल के माध्यम से, तो आपकी इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज थोड़ी बड़ी होगी और होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छे रिमार्केबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं बशर्ते वो रेमेडी आपकी ड्रग पिक्चर को मैच करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं और आप इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है, तो वो क्वेश्चन वो क्वेरी भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की और अगर टाइम नहीं हुआ तो मैं एक लाइव सेशन कंडक्ट करके जितने भी कमेंट सेक्शन में आपके क्वेरीज होंगे मैक्सिमम क्वेरीज को रिजॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।